हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एशियन का एपेक्स डस्ट प्रूफ और ये है बर्जर का प्रीमियम एक्सटीरियर प्रोडक्ट वेदर कोट एंटी डस्ट। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएट करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले कि इन दोनों में ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है या फिर इन दोनों में क्या अंतर है। जो एशियन का एपेक्स है डस्ट प्रूफ वो एशियन का एक प्रीमियम एक्सटीरियर प्रोडक्ट है और ये बर्जर का प्रीमियम एक्सटीरियर प्रोडक्ट है। दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही रेपुटेटिव प्रोडक्ट है, दोनों का ही बाहरी दीवारों के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। या ये कह ले कि कोई भी मीडियम क्लास के लोग हैं जो कि अगर एक्सटीरियर में कोई अच्छा पेंट लगाना चाहते हैं तो वो इन दोनों में ही से किसी को सेलेक्ट करते हैं, या तो एपेक्स डस्ट प्रूफ लेते हैं या फिर बर्जर का एंटी डस्ट लेते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, इनकी पूरा स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं और देखने वाले इन दोनों में ऐसा कौन सा मेजर डिफरेंस है। तो हम जो भी इसकी अप्लाइंग एरिया है, कवरेज एरिया है या प्रोडक्ट का जो मेन फीचर है जो कंपनी आपको देती है तो कहती है कि ये इस फीचर के साथ आता है या फिर बर्जर का पेंटिंग डस्ट लेते हैं तो आपको ये फीचर मिलेगा। साथ ही इसकी परफॉर्मेंस वारंटी भी देखेंगे कि अगर ये पेंट आप सिलेक्ट करते हैं कोई भी इन दोनों में से लेते हैं तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, अगर आप किसी भी वॉल पर लगाते हैं तो कितने टाइम तक चलेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पेंट गुरु पे। जो भी हमने पिछली वीडियो डाला था उस पर आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल द पेंट गुरु को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अप्लाइंग एरिया की, कि अगर आप दोनों को ही सेलेक्ट करते हैं या आप एशियन का एपेक्स डस्ट प्रूफ लेते हैं या फिर बर्जर का वेदर कोट एंटी डस्ट लेते हैं तो आप इन दोनों को कहां कहां लगा सकते हैं। तो दोनों ही अपना प्रीमियम एक्सटीरियर प्रोडक्ट है तो आप इन दोनों को कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप अंदर के दीवार पे चाहे तो अंदर के दीवार पे भी लगा सकते हैं या बाहरी दीवार पे चाहे तो बाहरी दीवार पे भी लगा सकते हैं। ये दोनों जगह के लिए सुटेबल होता है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं सरफेस फिनिशिंग की, कि अगर आप एपेक्स का लेते हैं, एपेक्स लेते हैं एंटी डस्ट या फिर आप बर्जर का एंटी डस्ट लेते हैं तो इसकी जो सरफेस फिनिशिंग हो जैसे किसी भी वॉल्स पे आप लगाते हैं तो आपको कैसा फिनिश देगा। तो दोनों ही रिच सॉफ्ट सीन के साथ आता है। अगर आप एंटी डस्ट लेते हैं तो ये रिच सॉफ्ट सीन आता है, अगर आप एपेक्स डस्ट प्रूफ लेते हैं तो ये आपको रिच सीन के साथ आता है। दोनों की सरफेस फिनिशिंग की बात करें तो रिच सॉफ्ट सीन के साथ आता है। फिर हम बात करते हैं वॉशेबिलिटी की, तो अगर हम वॉशेबिलिटी की बात करें तो अगर एपेक्स आप लेते जाते हैं एपेक्स डस्ट प्रूफ तो इसकी जो वॉशेबिलिटी होती है वो हाई होती है या ये कह लें कि बेस्ट इन क्लास होता है। अगर कोई भी दाग धब्बा आपके वॉल्स पर लग गया, किसी भी तरह का कोई भी दाग धब्बा लग गया तो आप उसको इजिली वहां से वॉश कर सकते हैं और वहां से उसको निकाल सकते हैं। किसी भी चीज से आप सर्फ से चाहे, शैम्पू से चाहे, आप जैसे चाहे उसको वॉश करके वहां से जो भी दाग धब्बा आप रिमूव कर सकते हैं। वही अगर हम बर्जर वेदर कोट एंटी डस्ट की बात करें तो इसकी भी वॉशेबिलिटी हाई होती है। आप या इस पे भी कोई भी दाग धब्बा या कुछ भी लगा हुआ तो आप उसको भी वॉश कर सकते हैं। दोनों की वॉशेबिलिटी की बात करें तो बेस्ट इन क्लास है या ये कह लें कि हाई है, जितना आप चाहे जैसे चाहे वॉश कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस वारंटी की, कि अगर एपेक्स का डस्ट प्रूफ लेते हैं या फिर बर्जर का वेदर कोट एंटी डस्ट लेते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस वारंटी कंपनी आपको क्या देती है। तो दोनों की अगर हम परफॉर्मेंस वारंटी की बात करें तो 5 ईयर्स होती है। कहीं पे भी किसी भी वॉल्स पे लगाते हैं तो कंपनी आपको 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी देती है। जहां से किसी भी कोई भी कलर वगैरह है कि कहीं पे भी कोई कलर आपने एक्सटीरियर वॉल्स पे लगाया है तो वहां से वो फेड नहीं आएगा या कलर गिरेगा नहीं, इसकी जो लाइफ होगी वो 5 ईयर्स तक कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी आपको कहती भी, आप देखेंगे कि 5 ईयर्स की आपको देती भी है कि 5 ईयर्स की वारंटी होती है। अगर इस पर भी बात करें तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी आपको 5 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करते हैं कलर ऑप्शन की, कि अगर आप एपेक्स डस्ट प्रूफ लेते हैं तो ये कितना आपको कलर ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें आप कंपनी आपको 1700 प्लस कलर ऑप्शन देती है, जिसमें जैसा आप कलर चाहते हैं, लाइट चाहे तो लाइट ले सकते हैं, डार्क कलर चाहे तो डार्क कलर ले सकते हैं, जैसा आप कलर चाहें वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं बर्जर एंटी डस्ट की बात करें, वेदर कोट एंटी डस्ट की बात करें तो इसमें आपको कंपनी 2000 प्लस कलर ऑप्शन देती है, थोड़ा इसमें कलर ऑप्शन आपको ज्यादा मिलता है। इसमें भी आप जैसा कलर चाहते हैं, लाइट कलर, डार्क कलर, जो भी चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पैकिंग साइज की, इसमें कौन कौन से पैकिंग साइज आता है। तो अगर हम एपेक्स की बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर, ये चारों पैकिंग साइज में आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम वेदर कोट एंटी डस्ट की बात करें तो ये भी आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, ये चारों पैकिंग साइज में आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्राइस रेंज की,
कि अगर आप एपेक्स लेते हैं या वेदर कोट लेते हैं तो इसकी प्राइस रेंज की क्या होगी। तो दोनों के एमआरपी की बात करें तो अगर एपेक्स की बात करें तो 491 है, जबकि अगर हम वेदर कोट एंटी डस्ट की बात करें तो 511 है। तो थोड़ी सी ये आपको जो इसकी एमआरपी है वो थोड़ी ज्यादा है, बट हाँ अगर हम मार्केट में प्राइस कंपेयर करें तो दोनों सेम सेम ही आता, थोड़ा बहुत आपको प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलता है। थोड़ा आपको एपेक्स थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है कंपेरेटर टू बर्जर वेदर कोट के कंपेरिजन में, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट जो इसकी क्वालिटी हो उसमें भी थोड़ा बहुत ये आपको अलग फीचर देता है जो हम आगे बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं कवरेज एरिया के, कि अगर आप एपेक्स लेते हैं या फिर बर्जर का वेदर कोट लेते हैं तो क्या कवरेज एरिया कवर करेगा। तो अगर हम एपेक्स की बात करो तो ये आपको एक लीटर में 55 से 60 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। कहीं पे भी आप दो कोट पेंट लगाते हैं एक्सटीरियर या इंटीरियर में तो ये 55 से 60 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। वहीं हम बर्जर का वेदर कोट एंटी डस्ट की बात करें तो ये 60 से 65 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। तो अगर हम दोनों की कंपेयर करें, दोनों की अगर हम कंपेयर करें तो इसकी जो कवरेज एरिया थोड़ा सा इसके कंपेयर में ज्यादा है, इसकी जो एरिया कवरिंग है या जो मटेरियल कॉस्टिंग है वो आपको थोड़ा कम आएगा। फिर हम बात करते हैं फीचर के, कि अगर हम एपेक्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से फीचर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर फीचर की बात करें तो डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी है, कि कहीं पे भी धूल वगैरह आता है तो आपके दीवारों पे वो नहीं चिपकेगा, वहां से इजिली वो रिमूव हो जाएगा। वेदर गार्ड है, जो भी मौसम है बरसात हो या फिर रेनी सीजन है, किसी भी तरह का कोई भी मौसम है तो वो आपको पेंट को खराब नहीं करेगा। किसी भी तरह का एंगल वगैरह लगता है, जो फंगल वगैरह आपके वॉल्स पे लगता है वो आपको लगने नहीं देगा। प्लस कंपनी आपको 5 इयर्स की वारंटी देती है, कोई पे भी अगर वाल्स पे आप लगाते हैं तो कंपनी आपको 5 इयर्स की वारंटी देती है, जहां से कि आपका पेंट खराब नहीं होगा। वहीं अगर बर्जर की एंटी डस्ट की बात करें तो ये आपको डस्ट गार्ड ये भी होता है, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, एंटी पील होता है, कहीं पे भी आप लगाते हैं तो वहां से चपड़ा बन के वगैरह आपको नहीं निकलता है। रिच सॉफ्ट सीन होता है, ग्रीन एश्योर्ड है कि कहीं पे भी अगर आप लगाते हैं तो आपको हेल्थ वगैरह पे इफेक्ट नहीं डालेगा। नो ब्लैक स्टिक, जैसे आप देखते होंगे कि बरसातों के दिनों में तो दीवारों पे जो काला वगैरह पड़ता है वो आपको इसमें नहीं बनेगा। तो अगर हम दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ही अपने आप में एक दी बेस्ट प्रोडक्ट है, दोनों ही अपनी अपनी कंपनियों का प्रीमियम एक्सटीरियर प्रोडक्ट है। तो अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको कलर ऑप्शन ज्यादा मिल जाता है और इसकी जो थोड़ी सी कवरेज एरिया वो आपको ज्यादा मिल जाता है। बट अगर फीचर वाइज बात करें तो इसमें एक दो फीचर जैसे यूवी प्रोटेक्शन वगैरह है जो कंपनी आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देती है, वेदर गार्ड दे देती है, तो थोड़ा बहुत फीचर भी चेंज कर देती है। अगर बाकी अगर हम बात करें तो दोनों ही दी बेस्ट प्रोडक्ट है, दोनों में से ही आपको कोई जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, या फिर जो वैल्यू फॉर मनी है जिसकी प्राइस रेंज आपको थोड़ी कम पे करना पड़ता है आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, ये दी बेस्ट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारे बार इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।